हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस टेक्निकल के बड़े यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस बिगली फॉरेक्स फोरकास्ट वीडियो में हर वीक की तरह इस वीक भी हम तीन मेजर करेंसी पेयर के बारे में एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज करने वाले हैं, समझने वाले हैं इस वीक में हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं और हमारे ट्रेड को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद इजिली आप यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी यूएसडी जेपी वाला करेंसी पेयर में एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं और अपनी ट्रेड को भी प्लान कर सकते हैं। तो किस तरीके से हमें एनालाइज करना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यूरो यूएसडी करेंसी पेयर के बारे में समझ लेते हैं। यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में इस वीक में हम किस तरीके से एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां से मेरे यूरो यूएसडी करेंसी पेयर ओपन कर लिया है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए तो ध्यान से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे हमें एक डब्लू पैटर्न की तरह देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मार्केट ने एक डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिए मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट लिया है। यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है मार्केट ने अभी एक डब्लू पैटर्न की तरह यहाँ पे क्रिएट किया है। तो यहाँ हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, सिंपल दोस्तों यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये डब्लू पैटर्न का निकलाइन है जो मार्केट के लिए अभी रजिस्टेंस की तरह यहाँ से फेस कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट लिया है, यहाँ अब रजिस्टेंस लिया है, अभी मार्केट यहाँ से रजिस्टेंस ले सकता है। अगर फ्रेंड्स यहाँ से यूरो यूएसडी हमें रेजिस्टेंस लेता हुआ देखने को मिलता है फिर यहाँ से हमें सेलिंग की तरफ देखना चाहिए। एंड बात करते हैं फ्रेंड्स टारगेट की, तो हम इस लेवल का यहाँ पे इजीली टारगेट दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है मार्केट जब भी इस लेवल का रेजिस्टेंस अगर लेता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ से हमें कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दिखती है तो फ्रेंड्स यहाँ से हम सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। एंड बात करते हैं फ्रेंड्स टारगेट की, तो इस लेवल का जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल था इस लेवल का यहाँ पे हम इजिली एक टारगेट दे सकते हैं यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में। लेवल कौन सा है, 1.00000 के लेवल का यहाँ पे हम टारगेट इजिली दे सकते हैं। देखिए इसी के साथ साथ फ्रेंड्स बात करते हैं बाइंग की। अगर आप यहां से बाइंग की तरफ देख रहे हैं तो आपको यहां पे वेट करना चाहिए इस निक लाइन के ब्रेकआउट का। जी हां फ्रेंड्स, यहां पे निक लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट होता है इसके बाद यहां से हमें रीटेस्ट के लिए भी वेट करना चाहिए। यहां पे अगर यूरो यूएसडी रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट के साथ हमें कोई प्रॉपर कंफर्मेशन दिखता है फिर यहां से हम बाइंग की तरफ देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स बात करते हैं हमारे टारगेट की, तो टारगेट हम इस लेवल के आसपास इजीली यहां पे देख सकते हैं। लेवल कौन सा है, 1.01892 के लेवल का यहां पे मुझे देखने को मिल रहा है। कुछ इस तरीके से यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में हम एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना है, लेकिन जब भी हमें एक प्रॉपर कंफर्मेशन दिखता है, प्रॉपर कोई यहाँ से हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है तभी यहाँ से हमें बाइंग की तरफ देखना चाहिए। यहाँ से फ्रेंड्स मेरे जीबीपी यूएसडी करेंसी पेयर ओपन कर लिया है। जीबीपी यूएसडी 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम किस तरीके से एक एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे हमें ध्यान देना है मार्केट का जो एक ट्रेंड है वो यहाँ पे आपको एक डाउन ट्रेंड में नज़र आएगा। यहाँ पे मार्केट देखिए लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, लोअर हाई की तरह यहाँ से परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हमें सिंपल देखने को मिल रहा है जीबीपी यूएसडी का जो ट्रेंड है वो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पे हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल फ्रेंड्स यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। अभी ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट के बाद यहाँ से इस लेवल को रिटेस्ट करने आता फिर यहाँ से हम बाइंग की तरफ देख सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे टारगेट की, तो देखिए टारगेट हम इस लेवल का दे सकते हैं। इस लेवल का हम टारगेट क्यों दे सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारी ट्रेंड लाइन का वेव का ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, लेकिन हमें ध्यान देना है यहाँ पे जो मार्केट का ट्रेंड है वो यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है प्रॉपर कोई कंफर्मेशन के साथ
यहाँ से हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है, फिर यहाँ से हमें बाइंग की तरफ देखना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ से सेलिंग की। यहाँ पे अगर हमें कोई रेजिस्टेंस लेता हुआ देखने को मिलता है, हमारे ट्रेंड लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, फिर यहाँ से हम सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स टारगेट की, तो इस लेवल के आसपास यहाँ पे हम एक छोटा सा इजिली टारगेट यहाँ पे दे सकते हैं। लेवल कौन सा है, 1.17000 का यहाँ पे मुझे टारगेट देखने को मिल रहा है। इस लेवल का हम यहाँ से एक इजिली टारगेट दे सकते हैं। इस तरीके से हम इस वीक में एक सिंपल एक टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं जीबीपी यूएसडी करेंसी पेयर में। चलिए दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर के बारे में। तो यहाँ से फ्रेंड्स, मैंने यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर ओपन कर लिया है। यूएसडी जेपीवाई में हम किस तरीके से एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं, सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान देना है यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर का जो ट्रेंड है वो यहाँ पे आपको अप ट्रेंड नजर आएगा। देखिए तो यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी अप ट्रेंड में है। तो यहाँ से हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, सिंपल एनालाइज यहाँ पे हम कर सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे देखिए कुछ एरिया को मार्क करना चाहिए। फर्स्ट यहाँ पे लोअर लाइन ये हमने ड्रॉ कर लिया है, साथ ही साथ यहाँ पे हमने एक अपर लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे हमने ये क्यों ड्रॉ किया है, एजी कन्फर्मेशन के लिए। देखिए यहाँ से मार्केट अगेन हो सकता है इस लेवल को सपोर्ट ले। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर इस लेवल का भी ब्रेकआउट करता है तो फिर यहाँ से हम फ्रेंड्स बाइंग की तरफ अगेन देख सकते हैं यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर में। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ से बात करते हैं हम सेलिंग की, सेल हम कब कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर हम फिबोनाची का एक कन्फर्मेशन लेते हैं, देखिए बॉटम एंड टॉप यहाँ से अगर हम फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए फिबोनाची को कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेक डाउन करता है फिर यहाँ से हम सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। छोटा सा टारगेट फ्रेंड्स हम यहाँ से देख सकते हैं। देखिए 0.38% का एक हम फर्स्ट टारगेट दे सकते हैं। बात करते हैं सेकंड टारगेट की, तो यहाँ पे 0.5% का हम सेकंड टारगेट दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए हो सकता है मैं भी इस लेवल का मार्केट सपोर्ट लेने के बाद, ठीक है, इस लेवल का मार्केट सपोर्ट लेने के बाद हो सकता है अगेन यहाँ से हमें बाइंग की तरफ देखने को मिल सकता है यूएसडी जेपीवाई, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इस वीक में हम एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर में। आई होप फ्रेंड्स आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस वीक में हम यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर में किस तरीके से एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।